सात दिन में मरने का श्राप मिला तो गंगा जी के किनारे आ गए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा दौड़े दौड़े चले आए। राजन क्या हुआ? अरे महाराज, हमको सात दिन में तक्षक नामक नाग के काटने से मौत मृत्यु हो जाएगी ऐसा श्राप मिला। अब आप बताओ क्या उपाय करें कि मोक्ष मिल जाए। मरना तो है पर मोक्ष मिल जाए। तो किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा पुण्य करो, किसी ने कहा भगवान नाम का स्मरण करो, पर एक मत नहीं हुआ। अब कैसे काम चले? एक मत बिना बने कैसे काम चले? उसी समय व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की खोड़ह वर्ष की अवस्था, दिव्य रूप वो प्यारा चंदा सा चेहरा एकदम लटे लटक रही, वह तेज बड़े बड़े महात्मा सुखदेव जी के आभा मंडल को देखकर खड़े होकर के स्वागत करने लगे। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज उपस्थित हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। दंडवत प्रणाम किया परीक्षित जी ने और प्रणाम करके पहले ही प्रश्न ठोक दिया, महाराज आप बताओ क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, कौन भजनीय है, किसका भजन करना चाहिए। महाराज हम जीव हैं, आप बताइए जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्, मरणासन्न प्राणी का धर्म क्या है। महाराज आप बताइए जिस जीव की सातवें दिन मृत्यु निश्चित हो गई हो, सात दिन के अंदर जिसको मरना हो उसको क्या करना चाहिए। ये सभी प्रश्न सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने अपने लिए भर नहीं पूछे, सबके लिए। और महाराज आप कहोगे महाराज सात दिन में मौत का श्राप तो होने मिला, हम लोगों को तो मिला नहीं। भैया सात दिन के अंदर ही सब लोग मरते हैं, चाहे मंगलवार को मरे चाहे बुधवार को, चाहे गुरुवार को मरे या शनिवार को, मरेंगे सात ही दिन के अंदर, आठवां नहीं है कोई। बोलो सीताराम। तो ये सबका प्रश्न है। सुखदेव जी सुनकर हंसते हुए बोले, राजन जब से आए हैं दे प्रश्न के ऊपर प्रश्न, कम से कम बैठने को तो पूछो। विराजो थोड़ा जल पान करो इसके बाद प्रश्न करो। महाराज माफ करना, आप जैसे साधु गौ दोहन काल से ज्यादा टिकते नहीं हैं, इसलिए हमने इन प्रश्नों को पूछकर धृष्टता की है, परंतु क्षमा करना, आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देकर के ही जाना। आहा, भगवान सुखदेव व्यास नंदन बड़े गदगद भये और पहला अक्षर वा निकला, वरी याने सते प्रश्न कृतोलो के हितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। राजन तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, तुमने पूछा क्या श्रवणीय है। तो सुनो राजन, केवल भगवान की कथा ही सुनने योग्य है, बाकी कुछ सुनने योग्य संसार में नहीं है। तुमने कहा किसका भजन करना चाहिए, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उन माधव का भजन करो जिन माधव के सामने इंद्रादिक देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। राजन तुमने प्रश्न किया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्, मरणासन्न प्राणी का धर्म क्या है। तो राजन मरना सबको है और मरने वाले प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है
माता पिता गुरु की सेवा करके नर में ही नारायण देखकर भगवान को पाने का संकल्प जिसके अंदर हो यही जीव का कर्तव्य है। लेकिन यहां जमाने में उल्टा ही है, हम लोग केवल अपनी भर सोचते हैं, बगल वाले का चाहे जो हो जाए, बोलो सीताराम। हमारे दरबार में तो ज्यादातर लोग आते हैं तो यही सोचते हैं, हे हनुमान जी हमारो भर पर्चा बन जाए, बगल वालों खाली हाथ जाए, हमारा पर्चा बन जाए, पर महाराज जी भले ही सोने चले जाए कोई दिक्कत नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बुरा मत मानना मेरे पागलो। तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जो केवल अपने लिए जीता है वो तो है दानव, जो अपने साथ साथ औरों के लिए जीता है वो है मानव। अपने लिए तो सब जीते हैं मेरे पागल, तू कुछ भी मत करना तब भी तू अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेगा। इस पूरी दुनिया में कितने लोग पागल नहीं है, पर क्या कभी तुमने भूखे मरते सुना है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हैं? कभी तुमने किसी अजगर को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते देखा? जवाब दीजिए, हाँ जी या ना जी। अच्छा, कभी तुमने किसी चिड़िया को किचन में बर्तन झाड़ू पोछा करते देखा? अब भाई किसी औरत का नाम चिड़िया मत धर देना, बाकी हम तो नहीं देखे। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबके दाता राम जी हैं। कौन है बोलो? राम जी हैं। तो जब दंत नते तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं, जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी ले हैं, जान को देत अजान को देत जहान को देत सो तो को भी दे हैं। और रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आए हैं, सोच करे हैं। जब दांत नहीं थे तब माँ के स्तनों में दूध भगवान ने दिया, अब दांत हो गए तो भगवान भूखा नहीं सुलाएंगे, जगाएंगे भूखा। भगवान भूखे सुलाते नहीं, जगाते हैं। बोलो सीताराम। राजा परीक्षित जी से भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आपने प्रश्न किया कि सातवें दिन मृत्यु है हमारी, क्या करें? तो सुनो, हमारे माधव की कथा को सुनो और सुनकर के तुम जीवन में उतारो। परीक्षित जी, हम तुम्हें प्रण पूर्वक बता रहे हैं, आप कथा सुनते सुनते ही मोक्ष गति को प्राप्त कर जाएंगे। भैया, मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता है। कई लोग मोक्ष का मतलब तेरहवीं समझ ले, नहीं नहीं, मोक्ष का मतलब मरना नहीं है, मोक्ष का मतलब है कामनाओं से मुक्त हो जाना। किससे मुक्त हो जाना बोलिए जरा, किससे मुक्त हो जाना? कामनाओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। इसलिए हे परीक्षित जी, तुम्हें श्राप मिला घबराओ मत, भगवान के बन जाओ।